हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं कैंपस शूज कंफर्ट टेक्नोलॉजी। तो चलिए गाइस, हम लोग इसकी साइज और एमआरपी की बात करते हैं। तो गाइस, ये हमारा साइज है 9 नंबर, जैसे आप लोग देख सकते हो 28.8 सेंटीमीटर। जेनेरिक नेम फुटवेयर और एसएन नंबर दिया गाइस, और मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड बाय कैंपस एक्टिविया एलटीडी C9 एंड 10 लकवील इंडस्ट्रियल एरिया देहरादून उत्तराखंड 2481-97। फॉर कंज्यूमर कंप्लेंट कॉन्टैक्ट कंज्यूमर सर्विस मैनेजर एट mfd.mktd.address। कॉन्टैक्ट नंबर दिया गाइस, और ईमेल कस्टमर केयर @campusshoes। तो गाइस, यहां पे जैसे देख सकते आप यूआईडी दी गई शूज की, और QR कोड दिया गया टू वेरीफाई फॉर ओरिजिनल स्कैन द QR यूजिंग ओरिजिनल फोर्स्योर ऐप और एनी QR कोड रीडर और SMS गाइस। और यहां पे UID2 लिखा गया है। तो गाइस, ऊपर बार कोड दिया गया है, और आर्टिकल नेम है सॉकेट्स, आर्टिकल नंबर 22G-984, कलर नेवी f.orange, एमआरपी 1549 रुपीज गाइस, इन चौपॉल टैक्स, नेट क्वांटिटी 2 मंथ्स 1 पेयर, और ये पैक किया गया है 1 तारीख 2023 को गाइस, ठीक है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं कैंपस का लोगो बना हुआ है, और साइड में भी कैंपस का लोगो बना हुआ है। तो चलिए हम लोग शूज की अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग बॉक्स ओपन करते हैं। तो चलिए गाइस, हमने बॉक्स ओपन कर दिया, और यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कैंपस का रैपर देखने को मिलता है, और कैंपस का लोगो बना हुआ है, और कैंपस लिखा गया है। तो चलिए हम लोग शूज देखते हैं इसके अंदर हम लोग कैसा देखने को मिलता है। गाइस, ये हमारा शूज है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा 9 नंबर शूज है। और भाई गाइज, इसकी कलर और मैन्युफैक्चर की बात की जाए तो गाइज बहुत ही प्यारा दिया गया है, और मैन्युफैक्चर बहुत अच्छे से फिनिशिंग की गई, जैसे आप लोग देख सकते हैं। कहीं हमको डिफेक्ट इशू देखने को नहीं मिलता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। रुके, मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखिए गाइज। और साइड में देखा जाए तो यहाँ पे कैंपस का लोगो बना हुआ है, और पीछे यहाँ पे कैंपस का टैग लगा हुआ है, यहाँ पे भी कैंपस का लोगो बना हुआ है। अगर हम लोग इसको मोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। बस गाइज, कोई हमको इश्यू डिफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, जैसे आप लोग देख सकते हो। कुछ यहाँ पे नीचे इसके नंबर लिखे गए हैं, ये पता नहीं गाइस, बट ये हमको डबल सोल पे देखने को मिलता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ये रबर सोल है हमारा गाइस, ये प्लास्टिक का सोल है, और यहाँ पे कैंपस ग्रिप मास्टर दिया गया गाइस, और हम सोचे ये कैंपस लिखा है, बट ये ग्रिप मास्टर लिखा है। आई होप सब कैमरे में क्लियर दिखाई दे रहा हो, कैमरे में क्लियर आ रहा है गाइस। और हम लोग इसकी, हाँ ये देखिए गाइस, यहाँ पे इसका, ये हमारा ओरिजिनल कैंपस है, यहाँ पे इसका लोगो बना हुआ है, और जैसे आप लोग देख सकते हैं। अगर इसकी सोल की बात की जाए तो गाइस काफी सही है, और साइज में इसकी डिजाइन की गई है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग दूसरे पेयर की बात करते हैं, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे इसके कुछ दाने पड़े हैं, और ये प्लास्टिक का पूरा ये बना हुआ है गाइस। तो चलिए इसके अंदर की बात करते हैं, अंदर से गाइस फॉर्म पड़ा है, जैसे आप लोग देख सकते हो, और मेड इन इंडिया है, और साइड साइड में देखा जाए तो ये फॉर्म है इसके अंदर, और आई होप ये पतावा निकल सकता है जहाँ तक। तो जैसे देख सकते हैं गाइस, ये पतावा निकल गया है, और ये 1991/5 लिखा है, और साइड साइड में देखेंगे तो गाइस ये हम लोग को अच्छे से, मतलब साइड साइड में सिला गया पकड़ के, जैसे आप लोग देख सकते हैं बहुत जबर है गाइस। हम इसको मोड़ भी देते हैं तो कोई इशू नहीं, ये देखिए गाइस, कोई इशू नहीं। तो चलिए हम लोग सेकंड पेयर की बात करते हैं। तो गाइस, ये हमारा सेकंड पेयर है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये डब्बा उड़ ना जाए, देखिए गाइस। और साइड साइड में देखेंगे तो यहाँ पे व्हाइट कलर की लाइनिंग की गई है, और ऊपर लोगो बना हुआ है साइन का, जैसे आप लोग देख सकते हैं। अगर इसमें भी हमको कहीं डिफेक्ट और इश्यू तो देखने को अभी तक मिला नहीं है, जैसे आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए गाइस। और यहाँ पे साइड में देखा जाए तो यहाँ पे साइड में रन करके लिखा गया है, और यहाँ पे कुछ लोगो बना हुआ है, मेरे को भी नहीं पता ये क्या बना हुआ है। और इसको भी हम लोग मोड़ के देखते हैं तो कोई डिफेक्ट और इशू नहीं देखने को मिलता है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।